हार्ड हिटिंग डायलॉग्स। हेलो व्यूअर्स, भाई आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है राजनीतिक विरासत में अखिलेश से भारी हैं जयंत चौधरी, चौधरी की शहंशाहत खूब चलती है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की सियासत में राष्ट्रीय लोकदल अध्यक्ष जयंत चौधरी का बाजार भाव बढ़ रहा है। वो किधर जाएंगे? समाजवादी पार्टी के गठबंधन में बरकरार रहेंगे या भाजपा का दामन थामेंगे, अथवा समाजवादी पार्टी को नज़रअंदाज कर भाजपा से लड़ने के लिए कांग्रेस बसपा को गठबंधन में लाने के प्रयास में सफल होंगे? दोस्तों, जयंत चौधरी खुद भाजपा में जाने के संकेत भी दे रहे हैं और विपक्षी खेमे में रहने का बयान भी दे रहे हैं। राजनीतिक पंडित से गठजोड़ और गठबंधन की राजनीति में अपना बाजार भाव बढ़ाने का सियासी स्टंट बता रहे हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में यूपी में समाजवादी पार्टी, बसपा और राष्ट्रीय लोकदल के गठबंधन में राष्ट्रीय लोकदल 3 सीटें पाई थी और 3 सीटों पर शिकस्त मिली थी। दोस्तों, इसके बाद स्थितियां बदली, किसान आंदोलन हुआ, भाजपा सांसद बृजभूषण सिंह और जाट खिलाड़ियों के टकराव का मामला भी गर्म है। किसान नेता टिकैत से भी जयंत की नज़दीकी है। उपचुनाव में भाजपा को हराकर राष्ट्रीय लोकदल ने खतौली सीट जीत कर भी अपना कद बढ़ा लिया था। इसके बाद जयंत और अखिलेश यादव के बीच दूरी नज़र आने लगी। बताया जाता है कि राष्ट्रीय लोकदल आगामी लोकसभा चुनाव में 12 सीटें चाहता है, जब समाजवादी पार्टी 5 से 8 सीटें ही देने पर राजी है। विश्वसनीय सूत्रों का कहना है कि राष्ट्रीय लोकदल कांग्रेस को जितनी अहमियत देना चाहता है, समाजवादी पार्टी मुखिया उतनी अहमियत देना नहीं चाहते। दोस्तों, इन बातों को लेकर गठबंधन के दोनों शीर्ष नेताओं में मनमुटाव हो गया था। ऐसे में जयंत भाजपा में जाने की खबरों को खुद हवा देकर समाजवादी पार्टी मुखिया पर दबाव बनाने और अपनी पॉलिटिकल मार्केट का भाव बढ़ाने की चालें चल रहे थे। देश के किसानों के सबसे बड़े नेता चौधरी चरण सिंह और अजीत सिंह की विरासत को मजबूती से निभाने वाले चौधरी परिवार के छोटे चौधरी अखिलेश को जताना चाहते हैं कि वो उन्हें हल्के में ना लें। ये सच भी है कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से कहीं ज़्यादा राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी की नसों में सियासी खून दौड़ता है। अखिलेश जिस समाजवादी पार्टी के वारिस हैं, वो समाजवादी पार्टी जयंत के दादा चौधरी चरण सिंह और पिता चौधरी अजीत सिंह की पार्टी से ही पैदा हुई थी। अखिलेश के पिता मुख्यमंत्री थे तो जयंत के दादा मुख्यमंत्री थे और पिता भी केंद्र में मंत्री रहे और सियासी गठजोड़ सरकारें बनाने तोड़ने के बड़े खिलाड़ी थे। अखिलेश सपा की दूसरी पीढ़ी के वारिस हैं और जयंत राष्ट्रीय लोकदल की तीसरी पीढ़ी के राजकुमार हैं, क्योंकि उनके दादा भारत के प्रधानमंत्री भी रहे थे। दोस्तों, देश की राजनीति का केंद्र उत्तर प्रदेश है और दिल्ली की कुर्सी का रास्ता यूपी है, जबकि सूबे की सियासत का केंद्र पश्चिमी उत्तर प्रदेश बन गया है। किसानों और जाटों के इस भूभाग की सियासत नज़दीकी राज्य हरियाणा को भी प्रभावित करती है और यूपी की सियासत की धुरी बनने वाले पश्चिमी उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय लोकदल और इस दल के शहंशाह जयंत चौधरी की शहंशाहत खूब चलती है। कहने वाले ये भी कहने लगे हैं कि आगामी लोकसभा चुनाव में यूपी में भाजपा और सबसे बड़े विपक्षी दल सपा में मुकाबले में कौन किस पर भारी पड़ेगा, इस बात के संकेत राष्ट्रीय लोकदल के फाइनल फैसले से भी किसी हद तक जाहिर हो जाएंगे। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।